जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलता है, और पड़ोसी के साथ बराबर बेहतर रिश्ते बनाकर रखने की यह कोशिश जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं सभी प्रधानमंत्रियों ने की है। और अटल जी तो बार बार जो भी पाकिस्तान का उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री था उससे कहते थे, याद रखो जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। अटल जी की उस भाषा को भी पाकिस्तान ने नहीं समझा। चार चार बार हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग हुई है, लेकिन मैं शीश झुकाकर अपने सेना और सुरक्षा के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। भले ही पाकिस्तान ने चार चार बार हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए हो लेकिन यहां के जांबाज जवानों ने उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, उनके हौसले स्पष्ट कर दिए। आखिरी लड़ाई 1999 में हुई थी, कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को सीधे पराजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसने छद्म युद्ध का सहारा लिया है, आतंकवाद के सहारे। वह चाहता है कि जम्मू कश्मीर को हम भारत से अलग कर देंगे। पाकिस्तान को इस हकीकत को समझना चाहिए, आतंकवाद यह बहादुर लोगों का हथियार नहीं हुआ करता है, आतंकवाद यह कायरों का हथियार होता है।